Hello students, welcome to your maths class. In this video we will do sums of division. In last video we already done sums of division. Students, today we will do sums of division 3 digit number divided by 1 digit number. Look here, there are 3 digit numbers, 369. We have to divide it by 3. तो इसमें हम 3 स्टेप में ये सम करेंगे. 3 को सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से. फर्स्ट नंबर इज 3. 3 वन जा 3. 3 वन जा 3. अब 3 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज 0. नाउ वी विल ब्रिंग डाउन 6. अब 6 को हम यहां पे नीचे लेके आएंगे. अब 3 को, सॉरी 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे. 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6. नाउ वी विल, अब 6 माइनस 6 0. नाउ वी विल ब्रिंग डाउन 9. 9 को अब हम नीचे लेके आएंगे. अब हम देखेंगे 3 के टेबल में 9 कब आता है. 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 थ्री जा 9. नाउ वी विल पुट हियर क्रॉस. स्टूडेंट्स, 369 डिवाइडेड बाय 3, देन क्वेश्चन इज 123. कि हमने इसमें पहले क्या किया, हमने पहले फर्स्ट नंबर को देखा है. या तो सेम होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, तो हम फर्स्ट नंबर को इस डिजिट से डिवाइड कर सकते हैं. जैसे 3, अब 3 के टेबल में 3 तो आता है ना, 3 वन जा 3, तो हमने 3 लिख दिया. अब नेक्स्ट हमने 6 को जब नीचे लेके आए तो 3 का टेबल में हम देखेंगे 6 कब आता है, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6. नाउ वी विल ब्रिंग डाउन 9, 3 थ्री जा 9. सो आंसर इज 123. इन नेक्स्ट सम वी हैव टू डिवाइड 484 बाय 2. सबसे पहला नंबर क्या है, डिजिट क्या है हमारे पास, 4. अब 2 के टेबल में 4 आता है ना स्टूडेंट्स, यस. 2 वन जा 2, 2 टू जा 4. अब हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल ब्रिंग डाउन 8. अब हम 8 को इधर नीचे ले आएंगे. 2 फोर जा 8. 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करते तो 0. अब यहां पे हमारे पास 0 है. अब क्या करेंगे, हम 4 को इधर नीचे लेके आएंगे. टू टू जा 4. सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी डिवाइड 484 बाय 2, क्वेश्चन इज 242. इन नेक्स्ट सम वी हैव टू डिवाइड 246 बाय 2. 2 वन जा 2. अब 2 के टेबल में 2 कितने पे है, 1 पे. अब 2 माइनस 2 0. नाउ वी विल ब्रिंग डाउन 4. अब 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 पे. 2 टू जा 4. अब वी विल ब्रिंग डाउन 6. 6 को हम यहां इधर नीचे लेके आएंगे. 2 थ्री जा 6. सो स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज डिवाइड करते हैं. सबसे पहले डिजिट लेते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड. अब हमें क्या करना है, 888 को 8 से डिवाइड करना है. 8 वन जा 8. नाउ 8 माइनस 8 0. अब हम इस नंबर को यहां लेके आएंगे 8. अब 8 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 1 पे. 8 वन जा 8. अब हम 8 माइनस 8 ये 0 करेंगे. अब हम थर्ड स्टेप क्या करेंगे, ये 8 को हम यहां नीचे लेके आएंगे. 8 वन जा 8. स्टूडेंट्स, व्हेन वी डिवाइड 888 बाय 8, क्वेश्चन इज 111.
नेक्स्ट सम इज 488 डिवाइडेड बाय 4. स्टूडेंट्स अब फर्स्ट डिजिट क्या है? 4. 4 के टेबल में 4 कितने पे आएगा? 1 पे. 4 वन जा 4. 4 माइनस 4 0. नाउ वी विल ब्रिंग डाउन 8. 4 टू जा 8. 4 के टेबल में 8 2 पे आता है. 8 माइनस 8 0. नाउ वी विल ब्रिंग डाउन नेक्स्ट नंबर 8. अब 4 के टेबल में 8 देखेंगे. 4 टू जा 8. 488 by 4, quotient is 122. Next sum is 936 divided by 3. So students, first digit क्या है? 9. अब 3 के table में 9 कितने पे आता है? 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9. Next digit is 3. इसको हम यहां नीचे लेके आएंगे. अब 3 के टेबल में 3 कितने पे आता है? 1 पे. 3 वन्स आर 3. 3 माइनस 3 0. नाउ वी विल ब्रिंग नेक्स्ट डिजिट 6. 6 को हम यहां नीचे ले आए. अब 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 2 पे. 3 टूज आर 6. सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी डिवाइड 936 बाय 3, क्वेश्चन इज 312. सो स्टूडेंट्स, today you have to do these sums in your notebook and do practice of these sums in your rough notebook also. क्योंकि students ये आपके लिए एक नया काम है. अगर आप daily ऐसे इससे related और भी sum rough copy में practice करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे. Thank you.